उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर एक बार आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। ...2016 में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी भारत आए थे। 2017 में हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण गणतंत्र पर्व के वे मुख्य मेहमान थे। शायद कई दशकों के बाद भारत का खाड़ी के देशों के साथ इतना गहरा, इतना व्यापक और इतना वाइब्रेंट नाता बना है। आज यही हो, खाड़ी के और देश हो, हमारा नाता सिर्फ बायर और सेलर का नहीं रहा है, एक पार्टनरशिप का बना है। भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि खाड़ी के देशों में 30 लाख से भी अधिक भारतीय समुदाय के लोग यहां की विकास यात्रा में भागीदार हुए हैं। मैं यूएई का, खाड़ी के देशों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारे देश के 30 लाख से अधिक लोगों को यहां भारत के बाहर जैसे उनका दूसरा घर हो उस प्रकार का उत्तम वातावरण दिया है। भारतीय समुदाय ने भी इसे अपना ही घर मान करके उसी प्रतिबद्धता के साथ, उतने ही परिश्रम के साथ यहां के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को भी यहां बोया है। और एक प्रकार से मानव समूह की पार्टनरशिप का एक उत्तम उदाहरण हम खाड़ी के देशों में अनुभव कर रहे हैं, यूएई में अनुभव कर रहे हैं। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि ही जाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मंदिर का निर्माण और वो भी सद्भावना के सेतु के रूप में है।
हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है, होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। मानवता के उदात्त आदर्शों विचारों को कहीं कोई खरोच न आ जाए, इसकी जिम्मेवारी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और मंदिर से जुड़ने वाले भावी भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी अनिवार्य रहेगी, ऐसा मेरी आप सबसे अपेक्षा है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, ये भारत के लिए सम्मान का विषय है कि आज एक विश्व स्तर की समिट में भारत को विशेष सम्मान दिया गया है। मुझे वहां संबोधन करके लिए निमंत्रण मिला है। यहां आप लोगों के लिए भारत की जानकारी पाना मुश्किल नहीं है। अगर मैं दो चीज बोलूंगा तो आप 10 चीजें बताएंगे, इतनी आपको भारत की जानकारी है। और एक प्रकार से यहां पर लघु भारत बसता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्रतिनिधित्व यहां नहीं होगा। और इसलिए भारत किस तेजी से बदल रहा है, 125 करोड़ भारतीय अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये आप भली भांति अनुभव कर सकते हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जब चलो छोड़ो यार कुछ होने वाला नहीं है, चलो यार बिस्तरा उठाओ कहीं चले जाए, निराशा आशंका दुविधा ये कालखंड से हम गुजरे हैं। एक समय था जब देश में से आम आदमी एक सवाल पूछता था, ये संभव है क्या, ये होगा क्या, क्या हमारे भी हो सकता है क्या, ऐसे ही सवालों में सामान्य मानवी उलझा था। और वहां से चलते चलते 4 साल के भीतर भीतर देश यहां पहुंचा है, आज देश ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा, यार संभव है कि नहीं है, चलो यार दिमाग क्यों खपाए। उस मनस्थिति से आज मनस्थिति यहां पहुंची है, मोदी जी बताओ
कब होगा? इस सवाल में शिकायत नहीं है, इस सवाल में विश्वास है, होगा तो अभी होगा। ...2014 में वैश्विक स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम 142 नंबर पे खड़े थे, यानी पीछे से गिने तो बहुत सरल हो जाएगा, आगे से गिने तो बहुत देर लग जाएगी। दुनिया में कभी किसी देश ने इतने कम समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 42 क्रम जंप लगा करके 100 पर पहुंच गया। लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम वहां पर रुकने के लिए आए हैं। हम और अधिक ऊपर जाना चाहते हैं और इसके लिए जहां नीतिगत परिवर्तन करना होगा, जहां रणनीति में परिवर्तन करना होगा, जहां इंप्लीमेंटेशन के रोडमैप में परिवर्तन करना होगा, जहां संसाधनों की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना होगा, जो भी आवश्यक होगा उन कदमों को उठाते उठाते हुए भारत को जितना हो सके उतना जल्दी ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में लाना है। ग्लोबलाइजेशन वो चीज ऐसी नहीं है कि हम तो जहां हैं वहां बैठे और दुनिया से फायदा उठाते चले, जी नहीं। ग्लोबलाइजेशन वो चीज है जिसमें इस ग्लोब के सभी लोगों ने अपना अपना दायित्व निभाते हुए, हर किसी के साथ जुड़ते हुए, हर किसी से सीखते हुए, हर किसी को साथ लेते हुए उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है जो दुनिया के आखिरी छोर पर बैठा हुआ देश हो या व्यक्ति हो उनके कल्याण के लिए भी काम आए। और तभी जाकर के तो सच्चे अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम ये हम जी करके दिखा सकते हैं। भारत अपने एक वैश्विक दायित्व को निभाने के लिए नियति ने उसके लिए कुछ जिम्मेवारियां दी है। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे आए टपक जाएगी और हम बिल्कुल हाथ ऐसे करके रहेंगे आ जाएगी। वो 21वीं सदी एशिया की सदी बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तत्कालीन लाभ हो या न हो लेकिन लंबे अरसे की भलाई के लिए हमने कदम उठाने होंगे। महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय इसकी चर्चा क्या करते थे, क्या वो काम करना कि जो प्रेय हो या वो काम करना जो श्रेय हो। हमारी कोशिश यह है कि श्रेयस्कर कामों की ओर कदम उठाते चलें, तत्कालीन शायद प्रिय लगे या न लगे लेकिन वो ऐसे श्रेयस्कर होंगे कि समय रहते वो प्रिय लगने वाले। कुछ सामर्थ्यवान लोग होते हैं उनको कोई भी कदम तुरंत प्रिय लगता है, कुछ लोगों को कठिनाई होती है कि थोड़ा देर लगती है। अगर नोटबंदी करता हूं तो देश का गरीब तबका उसको तुरंत समझ आता है सही दिशा का मजबूत कदम है। लेकिन जिसकी रात की नींद
चली गई हो, वो 2 साल के बाद भी अभी भी रो रहा है। सात साल से जीएसटी कानून होगा नहीं होगा चल रहा था, हो गया। अब ये सही है कि हम भी एक मकान में रहते हैं सालों से और दूसरे मकान में जाएं, रात को बड़ी खुशी है, आनंद है, बढ़िया मकान नया बनाया है, लेकिन जब सुबह नींद से उठते हैं तो आदत तन मजबूरन बाईं ओर बाथरूम समझ करके वहीं चले जाते और दीवार से टकरा जाते हैं। बाद में पता चलता है तो नया घर है, यहां तो बाथरूम राइट साइड पे है। ये सबका अनुभव है कि नहीं है? अगर एक इंसान की जिंदगी में भी बदलाव से इतनी कठिनाई होती है तो 70 साल पुरानी व्यवस्था हो, 125 करोड़ का देश हो, आदतें जहन में हो, दो दो तीन तीन पीढ़ी उसी आदतों में जी हो, उसमें से जब बदलाव लाना है तो कठिनाइयां होती है, लेकिन ये श्रेयस्कर है। महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता है। और आज इतने कम समय में जीएसटी की कई कठिनाइयों को दूर करते करते आज एक व्यवस्था के तहत स्वीकृति पाकर के आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। कल मैं अबू धाबी में था, कई सारे एग्रीमेंट किए, लोअर जकाम कंसेशन एग्रीमेंट मिडल ईस्ट अपस्ट्रीम के अंदर भारतीय कंपनी का पहली बार निवेश होना, ये पार्टनरशिप का एक उज्ज्वल पहलू शुरू हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, भाई आज अगले कार्यक्रम के लिए मुझे पहुंचना है इसलिए लंबा समय आपका ले नहीं रहा हूं, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, उधर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंचती है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये मेरी टूर बड़ी जेट गति वाली टूर है। मैं करीब 70-80 घंटे कि मैं 5 देशों की यात्रा कर करके वापस लौटने वाला हूं। जॉर्डन, पैलेस्टाइन, अबू धाबी, अभी दुबई, और यहाँ कार्यक्रम करने के बाद मुझे ओमान जाना है। वहाँ भी आज बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनसमुदाय को आज शाम को मुझे उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उनको भी कुछ न कुछ बातें बतानी है, लेकिन मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आप देख रहे हैं, जो सपने आपके स्वजन भारत की धरती पर देख रहे हैं, हम सब मिलकर के समय सीमा से पहले उन सपनों को पूरा करके रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको देता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।